तो गए, सबसे पहली बात है कि ये स्टाइलिंग में ये कुर्ती बहुत प्यारी है। हे गाइस, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम रितु एंड यू आर वाचिंग रितु हांडा। तो गाइस, आज मैंने की है मीशो से शॉपिंग और बहुत प्यारे प्यारे कुर्ता सेट्स आपके लिए लेके आई हूँ। कुर्तीज भी है, कुर्ता सेट्स भी है और साथ में बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। ओनली 550 के अंडर सब पीसेज है गाइस। ये मुझे सच में, मुझे कहूँ कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो ये प्लस साइज में भी अवेलेबल है, क्योंकि जो हमारे प्लस साइज वाले लोग होते हैं ना, उनको बहुत डिसअपॉइंटेड होना पड़ता है। ये प्लस साइज वालों के साथ ये मेरे साथ भी होता है, क्योंकि मैं भी प्लस साइज से हूँ। तो गाइस, मैं जब भी कोई वेबसाइट खोलती हूँ ना, जैसे मीशो, अमेजोन या कुछ भी खोलती हूँ ना, मुझे ना कई पीसेस बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन जब देखती हूँ तो उसमें साइज ही नहीं होते। साइज या तो एक्सएल या 3XL तक ही होते हैं, 4XL, 5XL, 6XL साइज ही नहीं होते उसमें। मुझे ना बहुत बुरा लगता है। तो गाइज, ये जो साइजेस है ये 6XL तक वहां पर अवेलेबल है मीशो पर। तो गाइज, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये कुर्ती आपको मीशो से भी मिल जाएगी। अगर आप मुझसे बाय करना चाहते हो तो ये आप मुझसे भी बाय कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सिर्फ अगर आप अमृतसर में रहते हो तभी डिलीवरी पॉसिबल है। अगर आप अमृतसर में रहते हो और मुझसे बाय करना चाहते हो, तो मैंने अपना जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाकर मुझे जल्दी से व्हाट्सअप कर दो। और हाँ, अगर आप मुझसे बाय करना चाहते हो तो आपको जल्दी से व्हाट्सअप करना होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड स्टॉक रहता है अगर आप अमृतसर में रहते हो तो, नहीं तो आप मीशो से कुर्तीज बाय कर सकते हो। तो गाइज, सभी कुर्तियों के जो कोड्स है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर लेना। आपको पता है मीशो पर कोई भी लिंक्स नहीं होते, सिर्फ कोड्स होते हैं। आप उन कोड्स को वहां जाकर पिंक करोगे तो ये प्रोडक्ट आपके आगे आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइज अपनी वीडियो। तो गाइज, सबसे पहली कुर्ती जो आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ ना, उसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो गाइस, ये है इसका कलर, बहुत प्यारा एक रेडिश सा कलर है। तो वैसे भी गाइस, मुझे रेड कलर बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये कुर्ती मैंने बाय की है मीशो से, मुझे काफी अच्छी लगी है ये कुर्ती। मैंने पता क्यों बाय की है, ये ना मुझे कलर के कारण, मैंने और बांधनी प्रिंट के कारण, इसको मुझे बांधनी प्रिंट बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि करवा चौथ पे जब सर्दी का टाइम होता है ना, उसपे आपको चाहिए होता है जैसे कलर बहुत अच्छा हो, लेकिन बहुत हल्का फुल्का सा कुछ हो, जो कि आप सुबह, क्योंकि 4:30 बजे आपको सर्गी खानी होती है, तो उस टाइम ऐसा आपको कुछ हल्का फुल्का सा मिलो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने वहां पर देखा था पिक में, वैसा एग्जैक्ट रेड कलर मुझे मिला है। और ये कुर्ती, मैं आपको इसका प्राइस बताऊ ना, आप सुन के हैरान हो जाओगे। इसका प्राइस जो है ना, ओनली 337 रुपीज, ओनली 337 रुपीज में मुझे ये प्यारी सी कुर्ती मिली है। उसके ऊपर ये जो वर्क है, ये कोई पेंट नहीं है, ये सारा कढ़ाई का वर्क है, गोल्डन तीला वर्क है गाइड, बहुत ही प्यारा वर्क है। और इसमें सीक्वेंस का भी वर्क साथ में दिया गया है, सीक्वेंस भी साथ में है। और इसके साइड्स पर ये सारी गोटापट्टी की लेस लगी हुई है, यहाँ पर गोटापट्टी की लेस है। तो गाइस, बहुत प्यारा सा ये कुर्ती है। जब मैंने इसको वेयर किया ना, तो एक मतलब फेस्टिवल से लुक आ रही थी, करवा चौथ लुक प्रॉपर आ रही थी। अगर आपको भी सर्दी के लिए कुछ ऐसा हल्का फुल्का चाहिए ना, तो आपको ये जरूर बाय करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये 4XL तक वहां पर अवेलेबल है, प्लस साइज वाले भी इसको बाय कर सकते हैं। और इसके स्लीव पर भी इस तरह से लेस का वर्क है, लेस लगी हुई है, बहुत ही ज्यादा मतलब कंफर्टेबल फैब्रिक है गाइस ये। तो आप देख सकते हो, और आप इसको किसी भी कलर के प्लाजो के साथ वेयर कर सकते हो, आप इसको रेड प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकते हो, आप इसको व्हाइट प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकते हो। और अगर आप वैसे इसको बाय कर रहे हो, आप इसको डेली वेयर में भी बाय कर सकते हो, अपने कॉलेज वेयर में भी बाय कर सकते हो। अगर आप ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, तो आप वहां पर भी इस कुर्ती को डाल के जा सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। तो गाइस, हुई ना ये मल्टीटास्किंग कुर्ती, बहुत प्यारी कुर्ती है। और ये है मेरी फर्स्ट परचेज मीशो से। तो आप लुक साथ साथ मेरी स्क्रीन पे आती जाएगी, आप देखते जाना, ताकि आपको प्रॉपर पता लग सके कि ये कुर्ती अगर आप इसको वेयर करोगे तो ये इसकी लुक क्या आती है। तो गाइस, ये थी मेरी फर्स्ट कुर्ती। और अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड कुर्ती के बारे में। जो सेकंड कुर्ती मैंने बाय की है मीशो से, वो कैसी है? और उसके बाद जो सेकंड कुर्ती मैंने बाय की है मीशो से, वो गाइस मुझे सच बताऊं, मुझे बहुत प्यारी लगी। तो वो है कुछ इस टाइप की। तो गाइस, सबसे पहली बात है कि ये स्टाइलिंग में ये कुर्ती बहुत प्यारी है। तो ये कुछ इस टाइप की कुर्ती है, इस पर रायोन की कुर्ती है और इसपे सारा पेंट वर्क है, पेंट प्रिंट है, लेकिन ये मैंने वॉश कर रखी है, और लेकिन इसके पेंट को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी ये खराब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मुझे ये मिली है वैसे मैंने इसको वॉश किया और उसी तरह से इसका प्रिंट रहा, कुछ भी इसका खराब नहीं हुआ गाइस। तो आप देख सकते हो, इसमें हल्के हल्के मिरर वर्क भी है, मिरर्स भी है इस कुर्ती पे। तो इस टाइप का प्रिंट है, आप देख सकते हो। और इसके स्लीव्स कुछ इस टाइप की है, और स्लीव्स के आगे भी इस टाइप का बॉर्डर दिया गया है।
और इसका क्या है कि ये यहाँ तक चोली है, ऊपर से चोली है और उसके बाद यहाँ पर कुछ चुनर्स आते हैं, हल्के से चुनर्स आते हैं, इस तरह का पेंट है और घेरे पर भी पूरा वर्क दिया गया है इस टाइप से। तो बैक पर भी गाइस सेम वर्क है, जैसा वर्क आगे है वैसा ही पूरा बैक पर भी वर्क है। और सच में गाइस इस कुर्ती की लुक बहुत ही प्यारी आती है, पूरी चुनट है। और सबसे बड़ी बात, ऐसी जो ड्रेसेस होती है ना हमें प्लस साइज में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ये कुर्ती प्लस साइज में भी अवेलेबल है। आपको 4XL तक, आपको 5XL तक बड़े आराम से ये कुर्ती मिल सकती है। और इसका प्राइस की तो हमने बात की नहीं, इसका प्राइस क्या है, तो गाइस मैं आपको इसका प्राइस बता दूं, ये ओनली 537 रुपीज में, ये मुझे मीशो से मिली है ओनली 537 रुपीज में। ऐसी कुर्ती और ऐसा प्लस साइज मिलना ना पॉसिबल नहीं होता। और इस कुर्ती में आप मेरी फुल लुक देख सकते हो, 537 रुपीज में अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है ना तो गाइस बहुत बढ़िया है। क्योंकि आपको पता है जो प्लस साइज वाले हैं ना उनका तो सबसे पहले कुछ स्टाइलिश अगर डालना हो तो साइज ही नहीं मिलता। हाँ, अगर साइज मिल भी जाता तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, जैसे वो 700, 1000 या 1000 से अप के प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर 537 रुपीज में ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल लगी, तो बेस्ट पीस है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो गाइस कर सकते हो, ये मेरी हाईली रिकमेंडेशंस है, मुझे काफी अच्छी लगी। और तो गाइस ये थी मेरी सेकंड परचेज, तो अगर आपको पसंद आई है तो मुझे डिस्क्रिप्शन और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो उसके बाद जो है मेरी थर्ड परचेज जो आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ, जो कि है कुर्ता पैंट। ये कुर्ता पैंट प्लाजो के साथ आता है, तो गाइस इस टाइप का इसका पैंट प्लाजो है और ये है हमारी कुर्ती। तो गाइस ये मैंने ब्लैक कलर में मंगवाई है और ब्लैक कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो काफी अच्छा मतलब ये कुर्ता है। और सबसे बड़ी बात कि ये बी प्लस साइज में अवेलेबल है, आपको 4XL 5XL तक आराम से इसके साइज मिल जाएंगे। इस टाइप का कुछ कुर्ता है, ये रायोन फैब्रिक में है, तो फैब्रिक इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, काफी अच्छा फैब्रिक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और गाइस इसके ऊपर ये कोई पेंट वर्क नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है और बहुत सफाई से किया गया एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो गाइस जब मैंने इसका प्राइस देखा ना, मैं सच में हैरान हो गई कि कुर्ता विद प्लाजो पेंट वो भी फुल एम्ब्रॉयडरी के साथ आपको मिल रहा है कितने का, ओनली 567 रुपीज में। 567 रुपीज में गाइस, आपको पता है कि जब हम ऐसी कुर्तीज कोई बाजार से स्टिच करवाने जाते हैं या कुछ, इतनी तो हमारी स्टिचिंग लग जाती है। तो ये विद फैब्रिक्स विद एम्ब्रॉयडरी आपको मिल रहा है 567 रुपीज में, बहुत अच्छी डील है। तो गाइस इस तरह से इसकी स्लीव्स है और काफी इसमें ब्रॉड बॉर्डर दिया गया है, स्लीव पर भी कुछ ढीला डाला सा नहीं है, बहुत अच्छी इसकी एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत अच्छा है। और इसके बीच में बटन्स भी दिए गए हैं, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत प्यारा है, आपको बहुत ही प्यारी से एक लुक आएगी जब आप इसको वेयर करोगे, क्योंकि ये ब्लैक कलर में है और ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। और गाइस ये एक और कलर में अवेलेबल था, ये शायद नेवी ब्लू कलर में भी ये अवेलेबल है। अगर किसी को ब्लैक कलर के से प्रॉब्लम है या जिसको ब्लैक कलर नहीं पसंद, वो नेवी ब्लू कलर में भी इसको बाय कर सकता है। और इसका प्लाजो पेंट है इस तरह से। तो गाइस इसका साइज बताऊं कि साइज बहुत ही अच्छा है, ये नहीं है कि कुछ कुर्तीज में क्या होता है ये प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे वो 4XL की है ना, हमने 4XL का साइज अपने लिए बाय तो कर लिया, लेकिन जो उसका प्लाजो पैंट होता है ना वो बहुत ज्यादा टाइट होता है, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ काफी बार आ चुकी है। लेकिन गाइस इसका प्लाजो पैंट भी काफी खुला है, प्रॉपर मतलब 4XL है, कि मुझे बिल्कुल भी टाइट नहीं हुआ, बहुत कंफर्टेबल रहा, बहुत अच्छा साइज है, मतलब काफी अच्छा। ओ माय गॉड। तो गाइस ये है मेरे झुमके जो कि मुझे इस टाइम बहुत पसंद आ रहे हैं। आज मैंने जब ये अपने झुमके डाले थे ना तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन उतर गया। चलो मैं इसको बाद में ट्राई करती हूँ। तो गाइस ये बहुत प्यारी पैंट है और साइज फुल 4XL ही है, बहुत खुला सा साइज है, आराम से आप इसको ट्राई करो। इसके पूरे प्लाजो पर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी दी गई है, जैसी शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी वैसी ही इसके प्लाजो पर भी एम्ब्रॉयडरी है। और इस कुर्ते की आप फुल लुक देख लो कैसी आती है, फुल लुक जब आप इसको वेयर करोगे आपकी फुल लुक क्या आने वाली है। और हाँ, सोच लो आप इसको कहाँ पर ट्राई करने वाले हो। तो गाइस आप इसको बाय कर सकते हो, इसका कोड भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहां से कोड लेकर मीशो से बाय कर सकते हो। अगर मीशो से नहीं बाय करना चाहते तो अगर आप अमृतसर में रहते हो तो मुझसे भी बाय कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको बाय मुझसे करना है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी से पिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड स्टॉक होता है। बस गाइस ये थी आज मेरी तीन ड्रेसेस जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली थी और मैंने आपसे शेयर की। तो गाइस आपको कौन सी ड्रेस पसंद आई, आपको जो भी ड्रेस पसंद आई मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस ये प्लस साइज में भी अवेलेबल है। निको बंद करिए।
निकु बंद करी। और उसके बाद गाइस ये तीन कुर्तीज जो जो मैंने मीशो से बाय की थी, और मुझे पता है मुझे कमेंट्स में आप लोगों को पूछोगे कि जो आपने ड्रेस वेयर कर रखी है वो आपने कहाँ से बाय की है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये ड्रेस मैंने बाय नहीं की है, ये मैंने खुद से स्टिच किया है। मैं काफ़ी अच्छी थोड़ी सी थोड़ा बहुत अपनी स्टिचिंग भी खुद कर लेती हूँ, और मैं अपनी ड्रेसेस ज़्यादातर मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ। और गाइस ये ड्रेस भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर जरूर करूंगी ताकि आपको भी कुछ डिज़ाइनिंग आइडियाज आ सके, और आप कुछ अगर ऐसा डिज़ाइन कराना चाहते हैं तो आप झट से करा सके। तो गाइस ये है मेरी ड्रेस, इसमें मैंने ये लेस का वर्क किया है और कॉटन का फैब्रिक है, रेयॉन फैब्रिक है, और इसकी स्लीव्स को मैंने बेल स्लीव्स बनाया है, और यहाँ पर मैंने लगाई है इस टाइप की लेस जो कि इस ड्रेस को काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। और हाँ गाइस, ये ड्रेस जब भी मैं वेयर करती हूँ ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बटन्स का वर्क किया है, यहाँ पर डोरी वर्क है। अगर आप इसे स्टिच करवाना चाहें या आपके लिए थोड़ी सी भी ये हेल्पफुल रहे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस गाइस ये थे मेरी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।